कि आज आप लोग जो है निजी विद्यालय का यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और 30 जून को झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दुमका जिला इकाई की बैठक, आप फाउंडर मेंबर हैं और झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं और पिछले 2 साल से प्रदेश में अध्यक्ष हैं, ऐसे में चुनाव कितना वैध है या अवैध, और अब तक आप लोग एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाए हैं और पिछले 12 साल से संगठन में चुनाव नहीं हुआ है, तो कैसे देखते हैं झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भी? देखिए, मैं मोहम्मद मकसूद आलम झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के फाउंडर सदस्य हूँ और मैं फाउंडर उपाध्यक्ष भी हूँ। इस एसोसिएशन को राम रंजन सिंह अपने पॉकेट का एसोसिएशन बना लिया है। और सबसे पहली बात तो मैंने राम रंजन सिंह से व्यक्तिगत बात किया था, लिखित नहीं, कि भाई एक्सपायर कर गए हैं अध्यक्ष महोदय, इनके जगह पर अध्यक्ष का पहले चुनाव हो, उसके बाद ही जिला का चुनाव कहीं भी हो। क्योंकि बायलॉज कहता है कि अध्यक्ष और सचिव के द्वारा चुनाव कराया जाता है, अकेले सचिव नहीं चुनाव करा सकता, ये बिल्कुल अवैध है। और दुमका के लोग ये नहीं समझ पाए, हमको नहीं समझ में आ रहा, ये एसोसिएशन का पैदाइश झारखंड में धनबाद जिला के आखिरी छोर पर, पूर्वी छोर पर चिरकुंडा नामक एक जगह है, जहां स्कूल ऑफ कंपटीशन स्वर्गीय सहदेव झा एवार्डेड व्यक्ति थे, ज्ञानेंद्र सिंह ने इनको पुरस्कृत किया था, इनके द्वारा ये बनाया गया था। ये तो हाईजेक कर लिए हैं एसोसिएशन को। राम रंजन सिंह बायलॉज के हिसाब से एसोसिएशन नहीं चला रहे हैं, ये गलत हो रहा है। मैं कहीं कह करके बहिष्कार तो ये जो चुनाव, इसका क्या कर आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? कर रहे हैं ये चुनाव। पहले तो ये इनको जो दायित्व दिया गया है तो यही बताएंगे कि बहिष्कार कर रहे कि नहीं कर रहे। किसे अभी दायित्व दिया गया, किसे आयुक्त को बनाया गया चुनाव? ये विपिन सिंह को बनाया गया है, झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का क्या नियमावली है चुनाव का, किस तरह से चुनाव करवा रहे हैं, मेंबर बनने का क्या नियम है, और जो उम्मीदवार होंगे उसके लिए क्या कुछ कितने पैसे ले रहे हैं आप लोग? देखिए मैम, चुनाव का नियमावली तो ये कहता है कि सचिव जो है अध्यक्ष के आदेश से अपना चुनाव करा सकते हैं, उनकी अनुमति आवश्यक है, अनुमति और सहमति दोनों जरूरी है, और हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वर्गवास हो चुका है, अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए थी, 2 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक अध्यक्ष का पद खाली है, रिक्त पड़ा हुआ है, न उपाध्यक्ष उसका ताजा कभी नहीं है, न उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है, और बिना अध्यक्ष का हस्ताक्षरित पत्र है ना, कोई भी हस्ताक्षरित पत्र मुझे जो है सरकारी एजेंसी द्वारा प्राप्त अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ व्हाट्सएप से संयुक्त सचिव का हमें पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि जिसकी उनको सूचना मिली कि 30 तारीख को आपको चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा है, चुनाव का भार मेरे ऊपर दिया गया है। तो नियम वगैरह भी भेजेंगे, क्या नियमावली है, क्या रूल नहीं, है? इसकी कोई नियम, इसकी नियमावली भेजी गई है, प्रेसिस की मिली है, मिला है हमको, लेकिन उसके अब तक आधार कितने पर लोगों ने नामांकन किया है? देखिए आज तो लास्ट अंतिम तिथि है, लेकिन अभी तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। नियम क्या कहता है कि चुनाव में जो नामांकन के बाद कितने दिन का समय मिलना चाहिए उम्मीदवारों को, ताकि वो अपने वोटर्स के पास जाए? कम से कम 30 दिन तो होना चाहिए मिनिमम, है ना, या 15 दिन जो है जरूरी है, 20 दिन, झारखंड का एक सबसे बड़ा पर्व है और पूरे भारत का हमने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई थी, संथाल विद्रोह, हुल दिवस के रूप में 30 जून को याद किया जाता है। आप लोग देखिए कैसे 30 जून को इस चुनाव का दिन रख दिए हैं, हुल दिवस? ये कुछ एक व्यक्ति द्वारा संयुक्त सचिव आदरणीय झारखंड प्राइवेट स्कूल के संयुक्त सचिव श्री राम रंजन सिंह द्वारा यह तय किया गया है, महासचिव, महासचिव द्वारा यह तय किया गया है कि 30 जून को चुनाव होगा, क्योंकि वो लेकिन चुनाव तिथि निर्धारण के पूर्व एक सभा होनी चाहिए थी, जो सभा नहीं की गई, सभा होने के बाद ही यह निर्णय लिया जाता है कि 30 जून को हुल दिवस है, जो कि वह नहीं होना चाहिए, और मैं एक चुनाव आयुक्त मुझे नियुक्त किया गया है, चुनाव आयुक्त है सर से, मैं इस चुनाव को रद्द करता हूँ अगले आदेश तक, और इसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी, इसलिए इस चुनाव को जो है जो असंवैधानिक करार दिया जाता है। चलिए बहुत।